नमस्कार, मैं रोशनी सिंह, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज का मुख्य समाचार। नमस्कार सभी को, मैं तहलका न्यूज की तरफ से साक्षी सिंह। आप सभी तहलका न्यूज के दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा था, जो ये कार्यक्रम हमेशा 1 जनवरी को होता था, लेकिन किसी किन्हीं कारणवश आज हमको 31 दिसंबर को करना पड़ा। मैं अपने गांव की गरीब जनता का हर पहली तारीख को मैं आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूं, इस कंबल के माध्यम से लोगों को एकत्रित करता हूं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हाँ हाँ, विजय राजभर आए थे कंबल वितरण में, कहा कि अब चुनाव होगा कंबल से। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी माताजी अध्यक्ष जिला पंचायत, हमें इस संयोग से इस ग्राम सभा का मैं ग्राम प्रधान हूँ, और मुझको लगा कि अपनी जनता के बीच में इस क्षेत्र के वो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, तो उनको भी मैंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ है। चुनाव कराती है सिंबल से सर? अगर पार्टी चुनाव सिंबल से कराती है, हम भी अपना आवेदन करेंगे। अब तो पार्टी को डिसीजन लेना है कि टिकट किसको मिलेगा, सिंबल हमको मिलेगा किसी अन्य को मिलेगा, ये तो पार्टी को करना है निर्णय। तैयार है? मैं तैयार हूँ। सिंबल से हो, अधिकृत के रूप में हो, निर्दल हो, मैं ग्राम सभा लेवल पे किसी पार्टी का कोई बहुत मान्य नहीं रखता है। ग्राम सभा में आपने कितना अच्छा वर्क किया है, आपकी जनता के बीच में क्या आपकी रुचि है, जनता के बीच में आपका तालमेल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, न कि पार्टी पे डिपेंड करता है। कंबल वितरण का कार्यक्रम चलत बा, हमारा छोटा सा एक निवेदन बा कि आए वाला पंचायत चुनाव जिस प्रकार आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सिलेंडर दिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आवाज दिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना सुशासन करते हुए गुंडों को माफियाओं को इस धरती से हटा दिया। उसी प्रकार आने वाले पंचायत के चुनाव में मित्रों, हमारे भाजपा के कमल निशान से प्रत्याशी आएंगे। अगर आपको चाहिए आवास, अगर आपको चाहिए शौचालय, अगर आपको चाहिए सुशासन, और अगर आपको चाहिए कि जो गरीब हमारे अगल बगल घूमते हैं उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लागू हो जाए, मिल जाए, तो आपको कमल के बटन दबानी पड़ेगी। बोला दबाई बलो ना, पंचायत चुनौवा में दबाई बलो ना। तो मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि आने वाले पंचायत के चुनाव में इधर उधर बातों को जाइएगा भूल, और सिर्फ याद रखिएगा कमल के फूल, क्योंकि गरीबों की निशानी है कमल के फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पारिवारिक किनाया था, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2014 का चुनाव चल रहा था, और चुनाव में मोदी मोदी की ललकार थी, और ये वही देश था जहां सिलेंडर उनके घरों में होता था जो सांसद और विधायक के करीबी होते थे। बोला सही कहा थी ना, सिलेंडर के मिलत रहे, जे आलोक का दोस्त रहे, जे विजय राजधर का दोस्त रहे, जे सूर्य गुप्ता का दोस्त रहे, जे सांसद और विधायक का दोस्त रहे, ओकरे घर सिलेंडर रहे, गरीबन घर ना रहे, लेकिन सिलेंडर घरे घरे पहुंचल कि ना पहुंचल? पहुंचल ना, जोर से बोला सिलेंडर पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास आवे लेकिन आवास पहुंच ना पावे, बिचौलिया को खा जाए कुल। अभी बताओ तो सुनील भैया के अभिनो मांगत है पैसवा, तो अभी धीरे धीरे सुधार में हुई। तो प्रधानमंत्री आवास भी बनल जब तो हम लोग प्रधानमंत्री बने गए, शौचालय घर घर तब बनल जब मोदी जी अलन, ठीक ना। गुंडा कुल गुंडा ही बहुत करत रहने, तो हम लोग सुनाई देते हुए कि बड़का बड़का जो गुंडा मकान बना ले रहने, उनका मकनवा भी योगी जी उल्टवावत हुए, आ कहत हुए कि हम जब मकनवा उल्टवा ले तो गरीबन खातिर आवास बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो ये सब तोहन लोग का देह लोट का ताकत है, तब जाके ये कुल होता है। वही क्रम में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम बा, कार्यक्रम 3-4 साल से चलत है।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और तहलका न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और बेल आइकन ना भूलें। थैंक्स। थैंक यू। खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।